नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू से लास्ट तक एक ही वीडियो देखा, शबनम के फांसी के ऊपर। कुछ ना कुछ कारण के वजह से शबनम का फांसी जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा था, लेकिन अब इस बीच ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय यानी इस महीने अक्टूबर के महीने में हो सकता है शबनम का डेथ वारंट इशू हो जाए। जी हाँ, डेथ वारंट इशू होने की संभावना इस महीने की है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर शबनम को फांसी दी जाएगी तो आपको पता है कि दो जाने जा सकती है। आपको पता होगा, एक तो शबनम का जान है और दूसरा जान उसका बेटा ताज का है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार ये देखा है सभी चैनल के माध्यम से कि ताज किस तरह से अपनी माँ से प्रेम करता है, प्यार करता है, कि वो उसे बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यहाँ तक कि वो बार बार अपील कर रहा है बड़े बड़े लोगों के, जैसे CM हो, PM हो, राज्यपाल हो, सभी के साथ, राष्ट्रपति हो, सभी के साथ जो कह सकते हैं कि एक अपील भेज रहा है, एक संदेश भेज रहा है कि किसी भी तरह से उसकी माँ को फांसी नहीं दिया जाए, या फांसी माफ़ कर दिया जाए, या फांसी से बदल करके उम्र कैद किया जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता है। लेकिन सवाल एक उठता है कि क्या उसकी माँ की गुनाह मतलब इस तरह की थी जो उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, या कम कर दिया जाए, या फांसी से बदल करके उम्र कैद कर दिया जाए। ये सोचने वाली बात है। भले ही वो उसकी माँ हो, या कह सकते हैं कि एक बच्चा की माँ दूर हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, ये भारत का कोई नागरिक भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि शबनम ने कौन सी गुनाह किया था। क्या उसने ये गुनाह किया था जिसकी सज़ा जो है फांसी से बदल कर उम्र कैद किया जाए, या फांसी से बदल करके माफ़ किया जाए? ऐसा हो सकता है क्या इस गुनाह में? ये सोचने वाली बात है। हम लोग एक जगह एक बात को सोच ले कि हमारा देश जो है जो हमें आज़ादी देता है बोलने का, कहने का, चलने का, फिरने का, सब कुछ करने का आज़ादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें, कुछ भी जो मन आए वो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्या शबनम का गुनाह जो है इस तरह का था कि उसकी सज़ा को फांसी से बदल कर उम्र कैद में किया जाए? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, और आपका कमेंट का मुझे आज इंतज़ार रहेगा। तो ज़रूर से कमेंट करना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एक बात और, अगर आप चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो, तो चैनल पर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आप तक पहुँचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।